हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल पप्पू करियर गाइड, कंप्लीट गाइड फॉर ऑल योर करियर नीड्स। तो फिर आज की बात करने वाले हम लोग आईबीएम के टू रोल के बारे में, जो कि यहाँ पर फिर आईबीएम जो है ऑन कैंपस एंड ऑफ कैंपस दोनों के लिए रिक्रूटमेंट करती है, आपका एसोसिएट टेक्निकल इंजीनियर एंड एसोसिएट सिस्टम इंजीनियर, तो दोनों के बारे में बताऊंगा इस वीडियो में। अब एलिजिबिलिटी क्रिटेरिया, सिलेक्शन प्रोसेस एंड डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड को लेकर और काफ़ी कुछ डाउट्स को भी इस वीडियो में कवर अप करने वाला हूं। तो चलिए करते इस वीडियो को स्टार्ट। सबसे पहले यहाँ डिस्कस कर लेते हैं फ्रेंड, आप लोग को अपना डॉक्यूमेंट कैसे अपलोड करना होता है और ये डॉक्यूमेंट अपलोड आप कब मिला है बता दूँ। जब आप राउंड वन क्वालिफाई कर लेते हो तब आपके सामने आता है कि डॉक्यूमेंट अपलोड करने के लिए वो लोग बोलते हैं आपको। तो फिर सबसे पहले आपको आईपीएम के पोर्टल पर लॉगिन करना होता है, लिंक मिल जाएगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे। वहाँ पर आने के बाद फिर आपको जो है कैंडिडेट जोन के अंदर में आपको प्रोफाइल सेक्शन पे आना है। प्रोफाइल सेक्शन पे आपको जो है रेज्यूमे अपलोड करना है, कवर लेटर अपलोड करना है, यहाँ मेंशन किया हुआ है रेज्यूमे। देन आपका गवर्नमेंट आईडी प्रूफ, मार्कशीट 10 12th एंड यूजी एंड पीजी आपको बस अपलोड करना है, दैट्स इट। यही होता है आपका प्रोसेस। आगे आप चीज़ बात करते हैं तो फिर देखेंगे तो बता दो यहाँ पर आपका ये तो करंटली चल रहा है ना, तो ये अगर 2022 बैच के लिए भी यही होने वाला है, 2023 बैच के लिए भी यही होने वाला है, ठीक है। दिस इज एन एंट्री लेवल ऑफ कैंपस हायरिंग पोजीशन एंड देयर द कैंडिडेट्स मस्ट हैव कंप्लीटेड देयर एजुकेशन एंड मस्ट हैव ऑब्टेंड द डिग्री एज पार्ट ऑफ द एम्प्लॉयमेंट विद आईबीएम। बी बी टेक, एमई, एम टेक, एमसी, एमएससी के लोग ही एलिजिबल है इन सीएसआईटी, मैथमेटिक्स और अदर सेमी आईटी सर्किट ब्रांचेस विद 6 सीजीपीए और 60%। बहुत लोग कमेंट करते हैं क्या परसेंटेज क्राइटेरिया है, तो 60% और 6 सीजीपीए। कैलकुलेशन क्वालिफाई मार्क्स इक्वल टू सम ऑफ मार्क्स ऑब्टेंड डिवाइडेड बाय सम ऑफ टोटल मैक्सिमम मार्क्स ऑब्टेंड। ऑल सब्जेक्ट विल बी कंसिडर इंक्लूडिंग इलेक्टिव ऑप्शनल सब्जेक्ट। तो अगर आपका 10 12th एंड ग्रेजुएशन में कोई ऑप्शनल सब्जेक्ट है वो भी काउंट आपका होने वाला है। नो एक्टिव बैकलॉग और फ्लुएंट इंटरपर्सनल स्किल्स रिटन एंड स्पोकन, ओके। चलिए और फिर सबसे पहले आपको आता है मेल, आईबीएम ऑफ कैंपस इवेंट एसोसिएट सिस्टम इंजीनियर या फिर एसोसिएट टेक्निकल इंजीनियर। आपका यहाँ पर नाम लिखा रहता है, यहाँ पर आपका रेफरेंस आईडी आपका ये मेंशन किया हुआ रहता है और आपका बताया जाता है कि दिस इज रेफरेंस टू योर इंटरेस्ट जॉब प्रोफाइल एसोसिएट सिस्टम इंजीनियर। जॉब कोड मेंशन यहाँ पर आता है आपका जॉब कोड। वी आर प्लेस टू इनवाइट टू द वर्चुअल रिक्वायरमेंट प्रोसेस, काइंडली रीड थ्रू द इन्विटेशन मेल द कंप्लीट डिटेल्स। सिलेक्शन क्राइटेरिया, ऑल स्टेजेस आर एलिमिनेशन राउंड, सारे के सारे स्टेजेस आपके जो है एलिमिनेशन राउंड है, ठीक है। और यहाँ पर फ्रेंड देखेंगे तो आपका कोडिंग असेसमेंट आपका सबसे पहले होता है, देन आपका कॉग्निटिव एबिलिटी असेसमेंट, और इसे क्वालिफाई करोगे तो आपके सामने ये मेल आएगा, इसे क्वालिफाई करोगे तो फिर एक दिन के अंदर में आएगा, ये भी आपको 24 आवर्स के अंदर में आएगा। इंग्लिश कम्युनिकेशन, देन आपका इंटरव्यू। बहुत सारे लोग जो है फिर यहाँ क्वालिफाई नहीं कर पाते क्योंकि हर एक राउंड आपका एलिमिनेशन राउंड है इसीलिए, ओके। चलिए आगे फिर देखिए तो आपको यहाँ पर जेडी वगैरह मेंशन किया रहता है, आपका यहाँ पर रहता है कि आप लोग फिर अगर आप लोग इफ़ यू अटेंडेड, आपको यहाँ 12 मंथ का क्राइटेरिया, मतलब अगर 2 महीने में अगर आप लोग 1 साल में 2 बार अप्लाई करते हो तो आप लोग एलिजिबल नहीं होने वाले हो, क्योंकि बहुत सारे लोग कमेंट करते हैं मैं अप्लाई करता हूँ असेसमेंट का लिंक नहीं आता, कैसे आएगा जब तक आप लोग 1 साल पूरे नहीं करते हो, ठीक है। और यहाँ पर मेंशन किया हुआ है कि आपका क्या होना चाहिए, गवर्नमेंट इशूड आईडी कार्ड, रेज्यूमे, ऑल एजुकेशनल मार्कशीट एंड कंप्लीशन सर्टिफिकेट 10 12th, डिप्लोमा यूजी पीजी, और करंट एम्प्लॉयमेंट ऑफर अगर आपके पास है तो प्रीवियस 2 एम्प्लॉयमेंट डॉक्यूमेंट ऑफर एंड रिसीव, लाइक अगर आप लोग पिछली कंपनी में कोई काम करके इस कंपनी में आ रहे हो तो आपके पास सारे सारे डॉक्यूमेंट होने चाहिए। और फिर ऑल प्रोसेस विल बी वर्चुअल ओनली, कैंडिडेट टू द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया और मेंशन किया हुआ है, कैंडिडेट शुड इन्वॉल्व एनी काइंड ऑफ माल प्रैक्टिस और मेंशन किया हुआ है, और इफ यू ऑलरेडी अटेंडेड द कोडिंग असेसमेंट इन द पास्ट यू आर नॉट एबल टू टेक द प्रोसेस अगेन, इफ़ यू हैव रिसीव्ड इनविटेशन अर्लियर एंड डेट का पेज प्रोसेस वी विल अनदर अपॉर्चुनिटी, ओके। अगर आप लोग एग्जाम मिस कर देते हो तो आपको दोबारा ये लोग एग्जाम देने के लिए अपॉर्चुनिटी देते हैं। आप बता दो फिर अगर आप लोग जो किसी भी स्टेज में अगर आप लोग एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को मिसमैच करते हो तो आपको कभी भी कंपनी जो आपको आपको रिजेक्शन सेंड कर सकती है, ओके। और यहाँ पर आपको मैं फिजिकल लाइफ दिखाने वाला, कैसे आपको डॉक्यूमेंट वगैरह जो अपलोड वगैरह करना, उससे पहले कुछ डाउट्स जो मैंने यहाँ मेंशन कर रखा हूँ उससे पहले सॉल्व कर लेते हैं, ओके। तो इसका मैंने बता दिया आपको, आर आई बी एम रिजेक्ट ऑफर टीचर डेवरन, येस ऑल ईच एंड एवरी राउंड इज योर एलिमिनेशन राउंड, 10 12th, 6 CGPA और 60%, टोटल बैकलॉग 0, गैप अलाउड। आपका यहाँ पर बता दो यहाँ पर गैप अलाउड मेंशन नहीं किया गया है, तो यहाँ पर आप लोग कुछ भी कंसीडर कर सकते हो। गैप अलाउड बिटवीन 10 12th डिप्लोमा एंड डिग्री, यहाँ मेंशन नहीं किया हुआ है। सेमी और ओवरऑल आपका सेमी सेमेस्टर वाइज और ओवरऑल आपका 6 CGPA या फिर 60% होना चाहिए। जो ओवरऑल मैंने बता दिया, सैलरी आपका 4.2 के आसपास देखने को मिलता है, सैलरी है कि आपका फिर आफ्टर 1 ईयर कुछ ही देखने को मिलता है। अगर आपका एक्सपीरियंस अच्छा रहता है, प्रोजेक्ट में अच्छे से काम करते हो तो आपको कुछ अच्छा खासा सैलरी भी देखने को मिल जाता है। फिर इसमें कोई बॉन्ड देखने को नहीं मिलता है, यहाँ मेंशन नहीं किया हुआ है, मे बी आपका 1 से 2 साल का बॉन्ड देखने को मिलेगा। करियर ग्रोथ काफ़ी अच्छा होता है फ्रेंड यहाँ पर। व्हेन रिजेक्टेड स्टूडेंट कैन अप्लाई अगेन आफ्टर 1 ईयर, एग्जाम टू जॉइन में फुल प्रोसेस। इसके बाद आप लोग जब एग्जाम क्वालिफाई करते हो आपके पास मेल आता है, डॉक्यूमेंट अपलोड करते हो, बस उसके बाद आपको जो है डायरेक्ट कंपनी को आपको ज्वाइन कर लेते हो, दैट्स इट। ये होता है आपका फुल प्रोसेस। चलिए मैं दिखाता हूँ मैं आपको लाइव, ठीक है। तो आप लोग जब लॉगिन करते हो ना तो आपको आना होगा प्रोफाइल में। प्रोफाइल में आने के बाद आपको यहाँ पर आना है माई फाइल्स, यहाँ पर आपको रिज्यूमे अपलोड करना है, कवर लेटर अपलोड करना है, और यहाँ पर जो है अदर डॉक्यूमेंट में आपके सामने देखेंगे फ्रेंड सर्टिफिकेट्स, अगर आप सर्टिफिकेट अपलोड करना है, मतलब आप लोग को यहाँ पर फिर हर एक चीज जो भी डॉक्यूमेंट यहाँ पर रिक्वायर्ड है
सर्टिफिकेट हो गया, डिग्री देखेंगे फ्रेंड आपका सर्टिफिकेट, डिग्री सर्टिफिकेट, लेटर ऑफ रिकमेंडेशन, मार्कशीट, अदर पे स्लिप पिछली कंपनी छोड़ गया, फोटो आईडी कार्ड, रेफरेंसेस, रेज्यूमे, वर्क परमिट। तो यहाँ पर जो भी आपके सामने है सारे आपको फिर अपलोड करने होते हैं। उसके बाद फिर आप लोग जब आते हो यहाँ पर जो है असेसमेंट में आपने कितनी बार एग्जाम दे चुके हो अभी आपके सामने शो करेगा फ्रेंड, ठीक है। और यहाँ पर जब आप लोग आते हो मैं दिखाता हूँ आपको अकाउंट सेटिंग में, ओके नहीं डैशबोर्ड में, ओके। तो फिर यहाँ पर आप लोगों ने किसी पोस्ट के लिए जिस जिस पोस्ट के लिए आप लोग अप्लाई किया आपके सामने शो करेगा, और जब आप लोग इस पर क्लिक करते हो तो आपके सामने शो करेगा नो लॉन्गर अंडर कंसिडरेशन, तो ये आपका होता है रिजेक्शन, ठीक है। और यहाँ पर टोटल आपको राउंड देखेंगे तो एक राउंड, टू थ्री फोर फाइव, फाइव राउंड्स होते हैं, फर्स्ट राउंड, ओके ये आपका सेकेंड राउंड है, मतलब सेकेंड आपका हो गया कॉग्निटिव एबिलिटी एसेस, कॉग्निटिव, देन कोडिंग, देन आपका इंग्लिश, देन आपका टेक्निकल राउंड, देन आपका एचआर, सॉरी ऑफर लेटर, आई एम अगेन रिपीटिंग, कॉग्निटिव और कोडिंग, इंग्लिश, इंटरव्यू, डायरेक्ट ऑफर लेटर, ऑफर लेटर रिलीज, तो आपका होता है टोटल पांच प्रोसेस, ठीक है। और यहाँ पर आपका व्यू एड फाइल्स वगैरह सब कुछ मेंशन किया हुआ है। तो आई थिंक दैट्स इट फॉर दिस वीडियो, कुछ डाउट रहता है कमेंट कर पूछ सकते हो। अगर आपने टेलीग्राम ग्रुप नहीं ज्वाइन करा तो ज्वाइन हो जाना फ्रेंड। अगर फ्रेंड और भी कुछ डाउट रहता है फ्रेंड आप लोग जो मुझे टॉपमेट पर भी आप मुझसे बात कर सकते हो, टॉपमेट पर आप अपने स्लॉट को बुक करके मुझसे बात कर सकते हो फ्रेंड। यहाँ पर आपने जो भी आपको कुछ डाउट्स रहते हैं, कुछ क्वेरीज रहते हैं, तो आप लोग मुझसे कुछ भी अगर डॉक्यूमेंट अपलोड करने प्रॉब्लम है, TCS, चाहे विप्रो, चाहे इन्फोसिस, चाहे कैपजेमिनी, किसी भी कंपनी का आपके पास कुछ डाउट है तो आप लोग अपने स्लॉट को मुझसे बात करके मुझसे आप लोग बात कर सकते हो, अपने क्वेरीज को सॉल्व कर सकते हो। तो आई थिंक दैट्स, इसका भी लिख दे दूंगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे, तो आप लोग अपने स्लॉट को जरूर बुक कर लेना, कुछ भी डाउट्स रहता है आप लोग मुझसे बात कर सकते हो। तो मिलते हैं आपको दूसरे वीडियो में, जय हिंद, जय भारत।